हेलो गाइस, व्हाट्सएप, क्या हाल चाल है, खैरियत है। एज यू नो योर गाइस आर इन फ्रंट ऑफ राइज मिस्टर जेएस के बिलाड़कानी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल डे। गाइस इस वक्त बज रहे हैं 6:30 सुबह के और सारी रात मैं जागा हूँ कोच से। शिकारपुर से आया हूँ, कोलपुर बलोचिस्तान, अलॉन्ग विथ माई ब्रदर योगेश कुमार, उसके साथ आया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोविंद धाम कोलपुर। ये देखें, ये जो मंदिर जा रहा है ये है गोविंद धाम कोलपुर, और इस वक्त हम निकले हैं रूट पर चक्कर के लिए और ब्रश करना है। उसके बाद यहाँ पर मिल रहे हैं हमें छोला पुड़ी, तो जी वो हम खाने जा रहे हैं। तो जी ये देखें, पहले यहाँ के जो कच्चे रोड हैं, यहाँ की वेट मट्टी गीली हुई, पैदल निकले हैं, इतना कम टेम्परेचर है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारी सराउंडिंग में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, तो जी इतना मज़ा आ रहा है कसम से, आई कैन नॉट एक्सप्लोर, मैं एक्सपोज नहीं कर सकता कि कितना मज़ा आ रहा है। सराउंडिंग में देखें सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। इस वक्त हम निकले हैं रूट पर और अब हम पहुँचने जा रहे हैं रोड के यहाँ। यहाँ से हमें दूसरी गेट मिलती है गोविंद धाम की, वहां पर हम लेंगे छोला पुड़ी नाश्ता के बाद, फिर हम देखते हैं कहाँ घूमने का कुछ मिलता है। तो जी पहले आप देख लें कोलपुर सिटी, वहां के कुछ कच्चे आपको मैं घर दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये जी कच्चे घर हैं कुछ कोलपुर सिटी के। ये रोड जा रहा है गोविंद धाम की पीछे वाली गेट के यहाँ। तो जी मैं योगेश भाई के साथ जा रहा हूँ। तो गाइस योगेश भाई देखे कितना आगे निकल गए हैं, पैदल आ रहा हूँ तेजी तेजी से। यहाँ से देखे कोलपुर सिटी का नज़ारा, ये चौधारी पहाड़ी इलाके, ये कच्चे घर, ये टंकियाँ। इस वक्त तो बस भूख ही लगी है, जा रहे हैं छोला पूड़ी खाने और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं कोलपुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जाते हैं वहाँ, इस वक्त तो बहुत थके हुए हैं, रियली वी बोथ आर एग्जॉस्टेड नाउ। तो इस वक्त तो गोविंद धाम जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज वी आर बैक विथ अवर लगेज, इस वक्त जा रहे हैं रूम नंबर 2 में, अपना जो लगेज है वो वहाँ पर हम प्लेस कर दें, फिर जाते हैं ब्रश वगैरह करने और छोला पूरी खाने के लिए। तो गाइज इस वक्त ये देखें पीछे पहाड़, और मैं अपना जो लगेज है वो प्लेस करके यहाँ पर, आप ये नज़ारा देख लें थोड़ा सा, ये जो सिटी है यहाँ पर एक ऊपर या नीचे, नीचे हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो जी हम नीचे जा रहे हैं विजिट करने के लिए, ठीक है जी। नीचे तो जी ये यहाँ है नीचे का नजारा, और यहाँ देखे हम रह रहे हैं शहर के ऊपर, ठीक है। नीचे चलते हैं देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो जी ये देख लिया, अब हमें नीचे यहाँ पर देखे एक पुराना घर है, यहाँ पर डिश टीवी वगैरह लगा हुआ है, ये है योगेश भाई। तो अब हम जाते हैं छोला पूरी खाने के लिए, तो वापस जाते हैं हम ऊपर। ये नीचे ये कोई घर वगैरह नहीं, ये है एक सिटी। गाइस जब तक छोला पूरी नाश्ता तैयार हो, क्योंकि 6:45 बज रहे हैं और तब तक हमने लिए चाय, तो उसका लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं मिलता है या नहीं, या और नाश्ता क्या मिलता है। आफ्टर दिस जायंट पैशंस, इतने कलोसल पेशेंस के बाद हमारी जो एंजाइटी है बेचैनी बढ़ गई, और फाइनली अब बज रहे हैं 9:45 और हमें मिल रहे हैं छोला पूरी। वहाँ का एक स्टॉल हमें नज़र आ रहा है, तो वहाँ से हम लेते हैं छोला पूरी, और मुझे नीड बिरयानी की, देखते हैं छोला बिरयानी कहाँ पर मिलती है या नहीं, तो वो भी आपको दिखाते चलेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, इन्होंने तो अरमानों पर पानी फेर दिया, इतने इंतज़ार के बाद भी ये सलाह मिला। तो गाइस उस छोला पूरी वाले ने जो हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया, और यहाँ पर बिरयानी मिल गई है, ये देखें योगेश भाई खा रहे हैं, टेस्टी है बहुत।
गाइस प्यास भी लगी थी बहुत, तो यहाँ पर आया तो यहाँ पर पुरानी तहजीब वही जो पिक्चर में देते हैं पानी वगैरह और शुद्ध प्योर पानी, टोटल हाइजीन। और बच्चों ये देखें सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा।